हेलो एवरीवन दिस इज तनिजा गुप्ता एंड टुडे वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस दैट इज वॉट कॉम्पिटेंट होस्ट इससे पहले हम क्या बात कर चुके हैं क्लोनिंग वैक्टर को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं सी अब क्लोनिंग वैक्टर हुआ है उसके अंदर हमने क्या कर दिया हमारा फॉरन डिजायर डी इंसर्ट करा दिया ये तो क्या हुआ क्लोनिंग वेक्टर और इसके अंदर मैंने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा दिया हमने ठीक है अब हमारा नेक्स्ट रोल क्या है अब ये कहाँ जाएगा ये होस्ट सेल के पास जाएगा उसके अंदर एंटर होने के लिए ठीक है ये क्या करेगा होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा ताकि वे वो क्या करें इस फॉरेन डीएनए को भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करा सके और लार्ज अमाउंट में इसको प्रोड्यूस करा सके बट ये भी इतना इजी टास्क नहीं होता क्योंकि क्या है जो ये डीएनए होता है ये कैसा नेचर का है हाइड्रो फिलिक नेचर का है ठीक है हाइड्रोफिलिक नेचर का आपको पता ही है न्यूक्लिक एसिड एसिड है हाइड्रोफिलिक नेचर है तो इतना इजी नहीं है कि होस्ट सेल की मेमरी इसको इजीली एंटर करने दे वो उसको क्या करेगी रजिस्टर करेगी इजीली एंट्री नहीं देगी तो मुझे होस्ट सेल को क्या बनाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा मतलब कि ये इजीली रिसीव कर सके कॉम्पिटेंट यानी उसको थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करना होगा या थोड़ा सा उसको वीक करना होगा ताकि वो क्या करे इस डी को ले सके बट ये वाली चीज क्या होती है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है उसके बाद वापस होस्ट उसको एंट्री नहीं देता तो उसमें पहले ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं उसको एक डायवेलेंट केटायन के साथ ट्रीट कराते हैं ठीक है किसको कराते हैं कि ट्रीट डायवेलेंट केटायन के साथ किसको ट्रीट कराते हैं होस्ट सेल को तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी कॉम्पिटेंसी शो करती है मतलब कि इट इज़ रेडी टू टेक दिस डीएनए फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड तो इसमें डाइवेल केट कौन सा होता है दैट इज द कैल्शियम आयन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ध्यान रखना कौन सा होता है कैल्शियम आयन ठीक है सेकेंड क्या करते हैं उसको पहले क्या करते हैं एक चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं आइस के थ्रू फिर वापस उसको हीट देते हैं फिर वापस उसको चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं मतलब कि पहले चिल किया फिर हीट किया फिर चिल किया तो क्या हुआ सेल थोड़ा सा वीक हो गया फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और डी एन ए उसके अंदर एंटर कर गया ठीक है थर्ड हम क्या करते हैं कई बार उसको माइक्रो इंजेक्शन ठीक है क्या माइक्रो इंजेक्शन या फिर क्या बोलते हैं माइक्रो पपेट ठीक है माइक्रोपाइपेट्स के थ्रू भी हम उसको डालते हैं इसमें क्या होते हैं जो सेल के अंदर का न्यूक्लियस है यह सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है तो इसमें इंजेक्शन यहां न्यूक्लियस के अंदर तक लेके जाती है और डायरेक्ट ही इस फॉरेन डीएनए को यहाँ पे इंसर्ट कर दे, करा दिया जाता है जहां पर वो अपने आप को रेप्लीकेट करता है ठीक है तो माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ही हम न्यूक्लियस के अंदर एंटर करा देते हैं नेक्स्ट कैटेगरी होती है दैट इज दी बायोलिस्टिक जीन गन सॉरी बायोलिस्टिक गन ये गन क्या करती है इसमें क्या होते हैं टंगस्टन टंगस्टन का गोल्ड पार्टिकल होते हैं टंगस्टन गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है ठीके? ये हुआ और इसके ऊपर क्या होगा किसका कोटिंग कराया जाता है इस डिज़ायर डीएनए का डीएनए जो हमें इंसर्ट कराना है उसका कोटिंग किया जाता है तो ऐसे ये छोटी 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 क्या होती है गोल गोल स्ट्रक्चर राउंड स्ट्रक्चर होती है और ये क्या होती है हमारी एक गन होती है जिसके अंदर ये सारे टंगस्टन पार्टिकल फिल कर दिए जाते हैं और इस गन को क्या किया जाता है जो होस्ट सेल है उस पर बम्बार्डिंग की जाती है इस गान से ठीक है तो क्या हुआ कंटिन्यूस बहुत हाई प्रेशर से ये सारे पार्टिकल इस होस्ट सेल के ऊपर बम्बार्ड किए जाते हैं और एनी हाउ कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं दे देवर एबल टू गेट एंटर इन टू दिस होस्ट सेल और उस होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं जैसे ही एंटर करते हैं ये साथ में जो डिज़ायर डी एन ए है वो भी एंटर कर जाता है तो इसकी तरह से भी हम क्या करते फॉरन डी ए को डी एन ए को सेल के अंदर एंटर कराते हैं सो दिस इज द प्रोसेस बाई विच वी डू द एंट्री ऑफ डी एन ए इंटू द होस्ट सेल दैट इज कम्स अंडर द कॉम्पिटेंट होस्ट सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है नेक्स्ट so, uh, so, हम पार्ट में बात करेंगे आ नाव वी विल टॉक एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ दिस डिप कॉम्बिन डी एन ए टेक्नोलॉजी जो कैसे परफॉर्म किया जाता है ठीक है यहाँ तक बस इतना ही इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ बुट यू कैरी इन द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच